तो कैसे हैं आप सब। आज की कहानी थोड़ी सी स्पेशल है। तो कहानी की शुरुआत में सूजन और उसके टर्टल को देखते हैं जो एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं मोतियों से भरा बैग लेकर, और उस मोतियों से भरा बैग के बदले ओनर उन्हें एक पैसों से भरा बैग देते हैं। और जब शॉप ओनर सूजन के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे तब सूजन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और वे अपना पैसों से भरा बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। तब उसकी एम्प्लॉय उसे कहती है कि कोई इतना हैंडसम इंसान कैसे हो सकता है। तब ओनर कहते हैं कि तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि मोती कितने कीमती हैं जो ये इंसान हर बार लेकर आता है, और पता नहीं ये जाने हर 2 महीने में यहाँ इतने ढेर सारे मोती कहाँ से लेकर आता है जो इतने बेसकीमती हैं और जो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलते हैं। और इधर देखते हैं सूजन और मिली रास्ता जब क्रॉस कर रहे थे तभी मिली देखती है एक बच्ची के ऊपर फ्लावर पॉट गिरने वाला था, और उसे बचाने के लिए वे उसे कवर कर लेती है, और सूजन उसकी हेल्प करने के लिए अपने मैजिक से उस फ्लावर पॉट को रोक देता है और कहता है कि मुझे ह्यूमन वर्ल्ड में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये यहाँ की नेचर है, पर मैं तो आदत से मजबूर हूँ। और फिर वो वापस अपने मैजिक से फ्लावर पॉट को साइड में गिरा देता है और टाइम वापस से शुरू हो जाता है। पर मिली को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये एक पल में हुआ क्या, और वे कॉल पर भी थी तब उसकी एम्प्लॉय कहती है कि कुछ हुआ है क्या मैम। तो मिली कहती है नहीं कुछ हुआ नहीं है, मैं 5 मिनट में ऑफिस पहुँचने वाली हूँ। और इधर ऑफिस में सब अपने काम को बहुत जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं और सब कुछ प्योर एक प्रॉपर वे में सब कुछ रख रहे होते हैं, क्योंकि मिली को अपना काम से बहुत प्यार था और वे अपने काम में कोई भी कुटाई नहीं करती थी, और अगर वे किसी को ऐसा करते हुए देख लेती थी तब उसका वे अच्छे से क्लास भी लगा देती थी। और उसकी दूसरी एम्प्लॉय आज मिली का शेड्यूल उसे बता रही होती है कि आज उसे क्या करना है, और आज मिली को न्यू कैंडिडेट का इंटरव्यू लेना था, और आज उसका मुलाकात एक बहुत ही अजीब बंदे से होता है जिसे बात करके लग रहा था कि वे इंटरव्यू देने नहीं बल्कि लेने आया है, और उस तरीके से बिहेव कर रहा था जैसे वे ही वहाँ का बॉस है। और तभी वे अपना एक सच बताता है, पास्ट जॉब में उसने बहुत सारे लोगों को ठगा था और उससे बहुत सारे पैसे भी कमाए थे, और कहता है कि अगर मैं आगे भी यही काम करूंगा तो तुम्हारे कंपनी के लिए बहुत अच्छा ढेर सारा पैसा भी बना सकता हूं। पर यह बात सुनकर मिली उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। फिर वे इंसान को बहुत गुस्सा आता है कि इस जैसी लड़की को मेरा जॉब छीनने का कोई हक नहीं है, और आखिर ये होती कौन है। और उसी रात जब मिली अपने कार से जा रही होती है तब वे इंसान उसका पीछा करता है और उसके गाड़ी का एक्सीडेंट करा देता है, जिससे मिली के कार का बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट होता है, और वे उसी दर्द में तड़प रही होती है और हेल्प के लिए बोल रही होती है कोई उसे हेल्प कर दे उसकी। पर तभी उसी रास्ते पर सूजन भी गुजर रहा होता है और वे मिली को देखता है और मिली उसे देखती है, मिली उससे हेल्प मांगती है, पर सूजन अपने आप को कह रहा होता है कि वे ह्यूमन वर्ल्ड में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, पर एक लास्ट टाइम उसकी हेल्प कर देता है वे आकर। और जब साइड में सूजन उसे बैठाता है तब उनका गलती से किस हो जाता है, और तभी सूजन का पावर मिली के अंदर चला जाता है, पर सूजन को ये बात पता नहीं चलती है और वे शाइनेस के कारण वे वहाँ से जल्दी से सॉरी बोलकर भाग जाता है अपने कछुए के साथ, पर उसका बैग वहीं पर छूट जाता है। और इधर देखते हैं जब हॉस्पिटल में मिली को होश आता है तब वे अपने सामने अपनी एम्प्लॉय को देखती है, और उसकी एम्प्लॉय उन्हें देखकर बहुत खुश होती है कि उनको होश आ गया। तब एम्प्लॉय कहती है कि ये तो मिरेकल हो गया मैम कि आखिर आप इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी बच गई हैं, और आप चिंता नहीं करें जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ है उसको जेल में पहुंचा दिया गया है। पर मिली उसे पूछती है कि आखिर उसे यहाँ पर हॉस्पिटल में किसने लेकर आया है। तब एम्प्लॉय कहती है कि मैम आपने ही तो खुद हॉस्पिटल में कॉल किया था। पर मिली को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था कि आखिर उसने ये सब किया कब। और इधर सूजन को देखते हैं एक कैफ़े में अपना कॉफ़ी इंजॉय कर रहा था, पर जब उसका कॉफ़ी ख़त्म हो जाता है तब वे अपने कछुए को कहता है कि अब समुद्र में वापस लौटने का समय आ गया है, और वे वेटर को पैसा देने के लिए बुलाता है, पर जब वे देखता है कि उसका बैग उसके पास नहीं है तब उसे याद आ जाता है कि उसने वे बैग उसी रात को वहीं पर छोड़ दिया था। और पर उसे इस बात का टेंशन नहीं था क्योंकि उसे पता था कि वे किस तरह से पे कर सकता था। तब वे वेटर से प्याज मांगता है, फिर उसके बाद बोलता है नहीं रहने दो मैं अपने आंसू ऐसे ही निकाल सकता, और फिर अपने आप को चूटी काट के अपने आंसू को निकालता है। पर जब उस आंसू से मोती नहीं बनते हैं तब वेटर कहता है कि तुम मुझे यहाँ
स्कैम करने आए हो मेरे साथ। पर सुचैन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, उसके आंसू से मोती क्यों नहीं बने। फिर वे टेलीपोर्ट होने का भी ट्राई करता है और वे भी नहीं हो पाता है उससे। और अब उसे समझ में आ गया था कि उसका पावर उसके पास नहीं है। पर उसे गुस्सा आ रहा था कि वे समुद्र का इतना बड़ा मरमेड है जिसके आसपास इतने ढेर सारे मरमेड चमचे की तरह घूमते हैं, वे उसके पास पावर नहीं है और आखिर ऐसा हुआ क्या। तब उसके कछुए को भी उसके बारे में नहीं समझ में आ रहा था कि उसके मालिक का पावर आखिर चला कहाँ गया। तब वे वेटर को उल्लू बनाकर वहाँ से चला जाता है, बाहर भाग जाता है। और उसी रास्ते पर मिली अपने काम से जल्दी जल्दी जा रही होती है, पर सुचैन और मिली एक दूसरे से टकरा जाते हैं जिससे मिली का बहुत सारा पेपर नीचे गिर जाता है। पर सुचैन उसे देखते ही पहचान जाता है कि वे वही लड़की है जिसकी जान उसने उस रात बचाई थी। फिर उसका टर्टल कहता है कि तुम्हारा पावर इसी लड़की के पास है क्योंकि मुझे फील हो पा रहा है। फिर सुचैन उसका हाथ पकड़ के महसूस करता है और उसे महसूस हो जाता है कि उस मिली के पास उसका पावर है। और तभी उधर से वेटर भागते हुए आता है और एक खाली बोतल उन दोनों पर फेंक देता है। पर जब सुचैन मिली का हाथ पकड़ता है तब उसका पावर उसके पास असर रहता है और उसी मदद से उस बोतल को वे साइड में फेंक देता है और वापस से फिर टाइम स्टार्ट होता है। तब मिली बहुत जल्दी में थी और वे कोई भी तमाशा नहीं चाहती थी। तब वे बिना किसी से बात किए बिना बोल देती है कि मैं इसका पैसा पे कर देती हूँ और वे वेटर को कुछ पैसे दे देती है और वेटर वहाँ से चला जाता है। पर जब सुचैन उससे कुछ बात करना चाहता था तब मिली बहुत जल्दी में बोल कर वहाँ से चली जाती है। तब सुचैन अपने कछुए से पूछता है कि अब वे क्या करें अपने पावर को वापस लाने के लिए, क्योंकि जब तक उसका पावर उसके पास नहीं आएगा तब तक वे समुद्र में वापस लौट नहीं सकता है। तब उसका कछुआ कहता है कि जैसा तुमने किया था उस रात वैसा ही काम दोबारा करना होगा, यानी तुम्हें उसे दोबारा किस करना होगा, तभी शायद तुम्हारा पावर वापस आ जाएगा। तब सुचैन वहाँ पर पड़ा हुआ कुछ पेपर को देखता है जिससे पता चल जाता है कि मिली किस ऑफिस में काम करती है। और सुचैन बस अब प्लानिंग सोच रहा था कि कैसे उसे वापस किस कर सकते हैं। और फिर उसके बाद सुचैन मिली की कंपनी में जॉब के लिए आता है। और जब उसे वेट करने के लिए बोला गया था तब सुचैन कुछ मछलियों को देखता है और उसके पास जाता है बात करने के लिए। और शहर में रहने वाली मछलियों को शायद ये नहीं पता था कि मरमेड भी होती है। और जब सुचैन कहता है कि हाँ मैं मरमेड हूँ तब उन्हें बिलीव होता है थोड़ा सा, क्योंकि वे उनसे बात कर पा रहा था। फिर मछलियाँ बोलती हैं कि अगर तुम्हारी मैं मदद भी कर दूँ तब तुम मेरे लिए क्या करोगे, तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि जब तुम समुद्र में जाओगे तब मुझे भी लेकर अपने साथ जाओगे। फिर उसके बाद सुचैन इसके लिए प्रॉमिस कर देता है। और उसके बाद वहाँ पर मिली आती है और मिली उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर इंटरव्यू देने आए हो। तब जब सुचैन बात करना चाहता था तब मिली कहती है इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तब जितना भी सवाल मिली पूछ रही होती है सुचैन उसका बहुत अच्छे से जवाब दे रहा होता है। हर एक क्वेश्चन का इतना अच्छे से दे रहा होता है जिससे मिली को सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था और उसे लग रहा था कि सुचैन उसके कंपनी के लिए बेस्ट एम्प्लॉय होगा। फिर उसके बाद मछलियों की हेल्प करने की वजह से सुचैन इंटरव्यू पास कर लेता है। और मिली उससे पूछती है कि तुम कब से ज्वाइन कर सकते हो, तब सुचैन जल्दी से बोलता है कि जब आप बोले मैडम। फिर आज ही से उसका जॉब स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जब लिफ्ट में वे दोनों फंस जाते हैं तब सुचैन को लगता है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा और वे उसी में उसे किस कर लेता है। और फिर उसके बाद क्या होना था, मिली उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और फिर उसके बाद सुचैन कहता है कि गलती से किस हो गया मैडम। फिर सुचैन अपने दोस्तों के पास जाता है, अपने टर्टल और मछलियों के पास जाता है और कहता है कि ये प्लान तो फेल हो गया। और मछलियाँ उस पर हंस रही थी कि ये डेवल को जाकर किस करके आया है। तब टर्टल उसे कहता है कि अगर ये प्लान काम नहीं किया तब अब एक ही लास्ट प्लान है जिसकी वजह से तुम्हें अपना पावर मिल सकता है, और वे प्लान ये है कि तुम्हें उस लड़की को अपने प्यार में फंसाना होगा और तभी जाकर तुम्हें तुम्हारी पावर वापस मिलेगी। और ये इस प्लान को सुनकर सुचैन को लग रहा था कि ये शायद फेल हो जाएगा, पर वे फिर भी अपने पावर को पाने के लिए इसका भी ट्राई करना चाहता था। और जब इसके बारे में कुछ आइडिया वे मछलियों से मांगता है तब मछलियां कहती हैं कि ये प्लान तो तुम रहने दो क्योंकि उसने हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया है, क्योंकि उसके लिए उसकी कंपनी सबसे पहले आती है और उसे शायद लव पर भरोसा भी नहीं है, उसे बस उसका काम दिखता है। और अगर उसके रिलेशनशिप में कोई धोखाबाजी करता है उसके साथ तब वे उसे रह छोड़ती भी नहीं है।
तब सूजन कहता है कि आखिर मुझसे कौन प्यार नहीं करेगा, मैं समुद्र का प्रिंस हूँ, मैं मरमेड प्रिंस हूँ और मेरे आगे पीछे हजारों मछलियाँ मेरे पीछे पड़ी हैं और ये तो बस एक इंसान है, वे भी मामूली सी इंसान, ये जल्दी ही मेरे प्यार में पड़ जाएगी। फिर उसके बाद सभी के साथ एक मीटिंग हो रहा होता है जिसमें सूजन को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और वहाँ पर मिली सबको सुना रही होती है कि कोई भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। फिर सूजन खुद ही उठकर कहता है कि हाँ मिस मिली बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम लोग को और मेहनत करनी होगी। और जब चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है तब मिली कहती है कि यहाँ पर सब काम करने आए हैं, कोई स्लो नाराबाजी करने नहीं आए हैं। फिर उसके बाद केविन में देखते हैं, जो मिली का केविन था उसमें सूजन आज बहुत खुश लग रहा था क्योंकि उसके पास एक प्लान था। और जब वहाँ पर मिली वापस आती है तब सूजन अपना कॉफ़ी आर्ट उसके सामने दिखाता है, पर मिली उसको गलत ही समझ जाती है और वे अपने एम्प्लॉय को कॉल करके कहती है कि ये डिज़ाइन जो अभी मैंने फ़ोटो खींच के भेजी है उसको देखो, वे शायद हमारे न्यू प्रोजेक्ट के लिए काम करेगा। और जब ये सब देखता है सूजन तब कहता है कि तुमको बस ये डिज़ाइन दिख रहा है, मेरा आर्ट नहीं दिख रहा, मेरा प्यार नहीं दिख रहा इसमें। तब मिली कहती है इसमें प्यार क्या है, ये तुम बस डिज़ाइन बना के लाए हो और क्या। तब सूजन उसको ध्यान से देखने लगता है और कहता है कि कैसी लड़की है, अब तक तो कोई लड़की मुझसे पढ़ जाती बस इतने में ही। फिर सूजन मिली के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है पर मिली पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है और मिली उसका टाई ही ठीक करने लगती है। वो कहती है कि यहाँ पर मुझे बिल्कुल नीट एंड क्लीन और पूरा प्रॉपर चाहिए होता है, तो सूजन अगली बार से ये गलती नहीं होनी चाहिए। फिर वहाँ पर एक एम्प्लॉय आती है एक न्यू प्रोडक्ट को लेकर और जिसका नाम सनस्क्रीन पाउडर था और वे एक मिली की कंपनी जल्द ही लॉन्च करने वाली थी। पर इसके बारे में सूजन उससे पूछता है कि आखिर है क्या। तब मिली इसके बारे में बताती है कि ये सन प्रोटेक्शन से हमारी हेल्प करता है, वे भी मेकअप पर। तब सूजन कहता है कि इस जैसे प्रोडक्ट से क्या ही हेल्प मिलता होगा। तब मिली कहती है क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। तब सूजन कहता है कि तुम ऐसा ही समझ लो, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ कि तुम्हारी ये प्रोडक्ट किसी काम की नहीं होगी। तो मिली कहती है मैं अपने प्रोडक्ट पर पूरा 100% बिलीव करती हूँ और अगर ये बेट तुमने हार गई तब तुम क्या करोगे। तब सूजन कहता है मैं उस समय बताऊँगा। फिर उसके बाद यहाँ स्विमिंग पूल के पास देखते हैं जहाँ आज उन दोनों के बीच वे टेस्ट होने वाला था, जहाँ सूजन अपना एप्स दिखा रहा होता है पर मिली उससे कोई इंप्रेस नहीं होती और कहती है कि तुम्हें थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए, ये इतना भी परफेक्ट नहीं है। फिर उसके बाद सूजन अपना टी शर्ट खोल कर नीचे लेट जाता है और उस पर मिली अपने प्रोडक्ट को अप्लाई करती है, एक साइड दूसरा प्रोडक्ट था और एक साइड मिली का प्रोडक्ट था। पर जब मिली उस पर लगा रही होती है तब सूजन को बहुत अलग सा फील हो रहा होता है और ये यही सोच रहा था कि मुझे इतना साइनेस फील हो रहा है और इसको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, ये आखिर लड़की भी है कि नहीं। फिर कुछ देर बाद मिली का प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं जो जीत जाता है और जब मिली वहाँ से जा रही होती है तब सूजन उसे रोकता है। तब मिली पूछती है ये क्या कर रहे हो तुम। तब सूजन को कुछ समझ में नहीं आता, तब वे उसके प्रोडक्ट का तारीफ करने लगता है। तब मिली खुश हो जाती है अपने प्रोडक्ट के बारे में सुनकर और फिर उसके बारे में और भी बताने लगती है उसे। फिर उसके बाद मिली कहती है कि जल्दी से वापस रेडी होकर अंदर आ जाओ और सूजन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि मैं यहाँ पर क्यों साई फील कर रहा हूँ जबकि उसको फील करना चाहिए था। फिर सूजन अपने आप से ही कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ज़रूर एक न्यू प्लान ज़रूर जल्दी से बना लूँगा। और उसी रात देखते हैं सूजन बाहर होमलेस पर्सन का एक्टिंग कर रहा होता है और जब मिली उसे देखती है इस तरीके से तब उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब सूजन उसे अपना दुख भरा कहानी बताता है कि उसकी बीमार माँ और उसकी स्कूल गोइंग बहन है और उसका डैड बस गैम्बलिंग खेलते रहता है जिसके कारण से वे बहुत ज़्यादा डेब्ट में है। और मिली इसका दुख भरा कहानी सुनकर उस पर थोड़ा दया दिखाती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हें एक महीने के लिए अपने घर में रखती हूँ जब तक तुम्हारा 1 month का सैलरी तुम्हें नहीं मिल जाता है। और ये सुनकर सूजन बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसके साथ उसके घर चला जाता है। और घर पर मिली बताती है कि मेरे पास रहना इतना आसान नहीं है और एक टैब में उसे कुछ PDF देखने के लिए कहती है और उस PDF में पूरे 100 pages थे जिसको फॉलो करना था सूजन को। और ये देखकर सूजन थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि ये सब सारे रूल हैं वे भी 100 pages के। तब मिली कहती है हाँ मेरे पास रहना होगा तो ये सब तो करना ही होगा। तब सूजन कहता है हाँ क्यों नहीं, ये तो मेरा काम है मैम।
फिर मिली कहती है कि मुझे सी फूड बहुत पसंद है, तो जाकर अभी कुक करके लेकर आओ मेरे लिए। और जब सुचैन खाना बनाने जाता है तब वहाँ पर जो क्रैब थे वे भीख मांग रहे थे उसका जान बख्शने के लिए, और बहुत सारे क्रैब अपना कहानी सुना रहे होते हैं कि उसके परिवार हैं उसके पालने के लिए। फिर उसके बाद सुचैन को समझ में नहीं आ रहा होता कि अब क्या करें। फिर तभी वहाँ पर मिली आकर खुद ही ये सबको पका देती है, और ये देखकर सुचैन तो पूरा रोने लगता है और कहता है कि ये तुमने क्या किया। तो मिली कहती है कि मैंने तुम्हें ये सबको पकाने के लिए कहा था और तुम यहाँ पर अपने आप से बात कर रहे हो। और सुचैन वे सबसे माफ़ी मांगने लगता है, और उधर गेट पर कोई आया हुआ होता है। तब मिली वहाँ पर गेट खोलने जाती है और वहाँ पर गेट पर उसका एक्स खड़ा होता है, और वे उससे माफ़ी मांग रहा होता है कि वे वापस उसकी लाइफ में आ जाए, वे गलती दोबारा नहीं करेगा। पर मिली को इससे बहुत इरिटेशन हो रहा होता है और वे उसे जाने के लिए बोल रही होती है, पर मिस्टर फू उसका बात भी नहीं मान रहे होते हैं और ज़बरदस्ती उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं। और वहाँ दूर खड़ा सुचैन ये सब कुछ देख रहा होता है और अपने आप से ही बोल रहा होता है कि आखिर अगर ये बंदा इसके लाइफ में वापस आ गया तब मुझे मेरा पावर कैसे मिलेगा। फिर उसके बाद वे एक्टिंग करने लगता है मिली का बॉयफ्रेंड का, और उसके बाद से ये सब सुनकर मिस्टर फू मिली पर ही बहुत गुस्सा करने लगते हैं और साथ ही सुचैन पर भी। पर मिली उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि हमने पहले ही ब्रेकअप कर लिया है, तो अब ये सब तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी फैमिली ने ये चाहती थी। पर मिस्टर फू फिर से मिली को मनाने का कोशिश करने लगते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली को मना लूँगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। पर मिली के सामने एकदम बच्चे की तरह बिहेव कर रहा होता है, जिससे मिली को और गुस्सा आ रहा होता है। फिर उसका हेल्प सुचैन करते हैं, जिससे और गुस्सा ज़्यादा मिस्टर फू का आ रहा होता है। फिर सुचैन मिली का हाथ पकड़ के अपनी पावर को दोबारा यूज करता है और उसी से मिस्टर फू को सबक सिखाता है। फिर उसके बाद सेक्रेटरी आकर मिस्टर फू को वहाँ से लेकर चली जाती है। फिर उसके जाने के बाद सुचैन कहता है कि तुम इस जैसे लड़कों से कैसे फंस जाती हो। फिर मिली कहती है कि तुमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और ऐसे भी इस जैसे बंदों को मैं अपने लाइफ में ज़्यादा देर टिकने भी नहीं देती हूँ। और तभी सुचैन का स्किन मिली को दिख जाता है, जो ब्लू कलर का था, जिसको फिश शेल कहते हैं। फिर सुचैन वहाँ से सोने का बहाना करके चला जाता है, और मिली को उसका ये अजीब सा बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और अगली सुबह ऑफिस में सुचैन पूरी तरह से कवर होके आया था, जबकि गर्मी का सीज़न चल रहा था। और यही बात मिली देखकर उसको अजीब लगता है मिली को, और वे उससे पूछती भी है। तब सुचैन कहता है ये पर्सनल प्रॉब्लम है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। फिर तभी एक एम्प्लॉय अंदर आती है ऑफिस में और मिली को कुछ न्यू प्रोडक्ट का डिटेल दे रही होती हैं, और जब मिली उस प्रोडक्ट को चेक करती है तब उसके एक्सपेक्टेशन पर ही सब कुछ हो रहा था। और सुचैन उस न्यू प्रोडक्ट को देखकर भी खुश होता है और उसे अच्छा लगता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। फिर उसके बाद मिली कहती है कि क्या तुम इसको ट्राई करना चाहोगे। तब मिली उसका हाथ तो खींचती है, पर सुचैन तुरंत अपना हाथ वापस कर लेता है, क्योंकि हाथ पर तो उसका कल रात ही जो हुआ था उसी के चलते उसे डर लग रहा था। तब सुचैन कहता है कि तुम मेरे फेस पर ट्राई कर सकती हो। फिर उसके बाद मिली उसे सोफा पर फेंक कर कहती है कि यहाँ पर ही रहो, मैं तुम्हारे फेस पर अभी ट्राई करने वाली हूँ। पर सुचैन को बहुत अलग सा फीलिंग आ रहा था जैसे जैसे मिली उसके पास आ रही थी। पर मिली अपने प्रोडक्ट का बहुत अच्छे से डिटेल दे रही थी, पर सुचैन को तो मिली को देखते देखते बहुत अच्छा लग रहा था। पर मिली के इतने करीब होने की वजह से सुचैन को बहुत अलग सा फील होने के कारण से वे उसे किस करने ही जा रहा था, उसी समय मिली उसे रोक कर कहती है कि क्या तुम्हें दोबारा मार खानी है। तब सुचैन अपने होश में वापस आता है, और अभी तो एक मिरेकल ही हो गया था। तब सुचैन मिली का बनाया हुआ प्रोडक्ट को अपने बॉडी पर स्प्रे करता है, तब उसके बॉडी पर जो निशान था वह गायब हो जाता है, और उससे वे बहुत खुश होता है क्योंकि ह्यूमन प्रोडक्ट उसके किसी तो काम आया। फिर उसके बाद वे मिली से दूर जाकर वे दोनों बोतल को अपने बॉडी पर पूरी तरह से स्प्रे करता है, जिसके कारण से उसके बॉडी पर जो भी वे निशान थे वे गायब हो जाते हैं। और उसी रात सुचैन मिली का हाथ पकड़ के अपनी पावर का यूज़ करता है, और साथ ही वे इमोशनल ड्रामा देख रहा होता है जिससे उसे रोना आता है, और उसी से उसका मोती बनता है। और ये सब मोती वे इसलिए बना रहा था क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, और उसे वे दोनों प्रोडक्ट किसी भी हाल में चाहिए थे, और वे ऑफिस से तो चोरी नहीं कर सकता था, और बिना पैसों के कोई उसे देगा भी नहीं। अगले दिन ऑफिस में कुछ लोगों को देखते हैं जो कंपनी के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं, और मिली ये सब कुछ सुन लेती है, और वे
उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके पीठ पीछे उसके ही एम्प्लॉय उसके कंपनी का बुराई कर रहे हों। और फिर उसके बाद उन दोनों का अच्छे से क्लास लगाती है, जिससे ये सब देख कर सुचन कहता है कितनी एरोगेंट बॉस है हमारी। और बाहर मिस्टर फू अपने बंदों से के साथ कुछ प्लानिंग बना रहे होते हैं मिली को तंग करने के लिए और सुचन को मारने के लिए। आज मिली के न्यू प्रोडक्ट का लॉन्चिंग होने का तैयारी चल रहा था और मिस्टर फू के बंदों के कारण आज मिली पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला था, पर सुचन सही टाइम पर मिली को बचा लेता है। और उसी समय मिली को भी उस एक्सीडेंट वाला दिन का बात याद आ जाता है कि सुचन ने ही उसकी जान बचाई थी। तब मिली उसके बारे में पूछती है उससे, तब सुचन बता देता है कि हाँ उसने ही उसकी जान बचाई थी। तब मिली पूछती है कि आखिर उसने ये बात उससे छुपाई क्यों। तब सुचन कहता है क्योंकि वे नहीं चाहता था कि इसके बारे में मिली को पता चले, और वे वहाँ से चला जाता है। पर मिली उसी बोर्ड पर सुचन के हाथ का निशान देखती है जो बहुत अजीब लगता है उसे। और उधर मिस्टर फू रिलैक्स कर रहे थे कि मिली को चोट नहीं लगा। और इसके बारे में मिली सुचन से पूछती है कि ये तुम्हारा हाथ का निशान कैसे लग गया उस पर। तब सुचन कोई बहाना बना के कह देता है कि वह बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है जिसके कारण उसका बॉडी बहुत बिल्डअप है। और ये बात सुचन का ये बात मिली मान भी लेती। उधर मिस्टर फूस मिली के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे और इसके बारे में मिली की एम्प्लॉय भी कंप्लेन करती है। और मिली को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि आज उसका लॉन्चिंग था और वे इतना गड़बड़ कर रहा है। और उसी में एक और न्यू प्रॉब्लम होता है कि मेकअप आर्टिस्ट जो आने वाला था वे किसी कारण से नहीं आ पाता है। तब सुचन उसे टेंशन नहीं लेने के लिए कहता है। और फिर मिली और सुचन ही अपने न्यू प्रोडक्ट का लॉन्च करते समय उस प्रोडक्ट को यूज करके दिखाते हैं, जिसे देखकर सभी को बहुत अच्छा लगता है कि ये प्रोडक्ट इतना खास और इतना स्पेशल है। और मिस्टर फू को गुस्सा आ रहा था कि उनके प्लान के अकॉर्डिंग कुछ भी जा नहीं रहा था, पर मिली को बहुत अच्छा लग रहा था कि रिपोर्टर्स को ये सब बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और इसी बीच सुचन को पता चल जाता है कि वे मिली से प्यार करने लगा है। और इस बात को जाने के बाद सुचन वहाँ से जल्दी से बाहर चला जाता है, जिससे मिली को ये सब देखकर अजीब लग रहा था और वे भी उसके पीछे ही आ रही थी। और इधर सुचन अपने बेली पर वही स्प्रे कर रहा था जिससे वे निशान चला जाए, पर तभी वहाँ पर मिली आ जाती है और ये सब कुछ देखने ही वाली होती है, पर सुचन छुपा लेता है। और मिली पूछती है कि आखिर क्या हुआ, वे इस तरह से क्यों बाहर चला आया। पर जैसे जैसे मिली उसके पास आ रही थी उसका दिल का धड़कन बहुत तेज़ हो रहा था, पर सुचन को वो लग रहा था कि शायद वे पानी से बहुत टाइम से दूर है, इसी के कारण ये सब हो रहा है। और जब मिली ये सब का कारण पूछती है कि वे इतना गर्म क्यों फील कर रहा है, तब सुचन इस पर कहता है कि वे जब छोटा था तब उसे एक स्ट्रेंज टाइप का डिजीज हो गया था जिसके कारण वे कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तब मिली उसे ऊपर टेरेस पर जहाँ स्विमिंग पूल बना हुआ है वहाँ पर लेकर आती है। फिर जब मिली दूसरी साइड मुड़ती है उसी समय सुचन पानी में कूद जाता है। और जब बहुत देर तक सुचन बाहर नहीं आता है तब मिली बहुत परेशान हो जाती है और वे उसका नाम चिल्ला चिल्ला कर बुला रही होती है, पर सुचन तो अंदर तैर रहा होता है अपनी सुंदर सी टेल के साथ। फिर तभी सुचन बाहर आता है और मिली उससे कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया, तुम जब इतनी देर से अंदर थे तो मैं डरी गई क्योंकि तुम सांस लेने के लिए बाहर नहीं आए। फिर तभी सुचन उसे किस कर लेता है और एक एक्सक्यूज देता है कि वह मेकअप को टेस्ट कर रहा था। तब मिली कहती है कि मैं बिना किसी रीज़न के किस नहीं एक्सेप्ट करती हूँ। फिर उसके बाद वे खुद ही सुचन को किस करती हैं। और जब सुचन का पावर वापस आने वाला था उसी समय मिस्टर फू वहाँ पर आ जाते हैं और सुचन गुस्से से चिल्लाता है कि बस थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते थे। फिर मिली कहती है कि तुम वेट करो, मैं इसको ठिकाने लगाती हूँ। और मिस्टर फू गुस्से से चिल्ला रहे थे कि तुम मुझसे ब्रेकअप करके ये दो क्वेरी के एम्प्लॉय के साथ हो, आखिर मुझ में कमी क्या थी। तब मिली कहती है हो गया तुम्हारा, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती हूँ और तुम्हारा जिस टाइप का बिहेवियर है तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा। और जब मिस्टर फू सुचन से लड़ने लगते हैं तब मिली उसे पानी में धक्का मार देती है और सुचन बाहर आ जाता है और मिस्टर फू बस चिल्लाते रह जाते हैं कि मुझे तैरना नहीं आता, मुझे पानी से बाहर निकालो। तो मिली कहती है पानी उतना भी गहरा नहीं है। और उसी रात जब सुचन और मिली घर वापस आते हैं तब मिली उसे कुछ एक्सेप्ट कर रही थी कि कुछ कहेगा, पर सुचन कुछ कहता नहीं है और अपने रूम में भाग जाता है, जिससे मिली का मूड खराब हो जाता है। और अंदर अपने रूम में सुचन अपनी मछलियों के साथ बात कर रहा था। मछलियाँ कहती हैं कि अब तो तुम्हारा पावर वापस ही आने वाला है और तुम्हारा प्लान भी सक्सेस होने वाला है, तब तुम इतना परेशान क्यों हो, क्या तुम उससे सही में प्यार करने लगे हो।
तब सुचिन कहता है, मैं उससे क्यों प्यार करूँगा भला, और ना ही मैं उसे मिस भी करूँगा। मैं तो चाहता हूँ कि अभी जाऊँ और अभी किस करके अपना पावर वापस ले लूँ, और उसके बाद मैं समुद्र में वापस लौट सकता हूँ। और ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है और सुचैन मिली को अवॉइड कर रहा था, और वे नहीं चाहता था कि मिली उसे देखे, तो वे जल्दी से सुबह निकल जाता है। और मिली ये सब कुछ महसूस कर रही थी कि सुचैन उसको अवॉइड कर रहा है। और आज ऑफिस में मिली उसे डायरेक्टली पूछ लेती है कि आखिर वे उसे अवॉइड क्यों कर रहा है, क्या उससे कोई गलती हुई है। तब सुचैन कहता है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, तुमसे क्यों गलती होगी भला। तब मिली पूछती है, तो क्या प्रॉब्लम है। फिर मिली उसे बता देती है कि वह उसे प्यार करने लगी है, और जब मिली उसे किस करने ही वाली थी तब सुचैन उसे रोक देता है, और मिली इसे बहुत गुस्सा हो जाती है और वे बाहर चली जाती है। और बाहर मिस्टर फू फिर से मिली को प्रपोज करने आए थे शादी के लिए। तब मिली उसे कहती है कि तुमको अब हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम्हारा दिमाग सही जगह पर नहीं है। और फिर उसके बाद सुचैन वहाँ आता है और मिस्टर फू का रोजेस डस्टबिन में फेंक देता है, और उसे वार्निंग देता है कि आगे से मिली के आसपास भी भटकने के लिए नहीं। और जब मिस्टर फू अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तब सुचैन उसे अपनी लिटिल पावर से थोड़ा सबक सिखाता है, और ये सब देखकर मिली को थोड़ा मज़ा आ रहा था। और सुचैन उसे बता देता है कि मिली उसकी गर्लफ्रेंड है और वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर मिली मिस्टर फू को वहाँ से भगा देती है, और मिस्टर फू के जाने के बाद मिली सुचैन को देखकर बहुत खुश हो रही थी। और जब वे दोनों किस करने ही वाले होते हैं तभी सुचैन का पावर उसके पास वापस आ जाता है, और वे उसी समय मिली वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और सुचैन सोचता है कि शायद पावर वापस आने के कारण से मिली ऐसा फील कर रही है। तब सुचैन अपना पावर उसे वापस दे देता है, पर वापस मिली उठकर फिर से बेहोश हो जाती है, और तब सुचैन उसे वापस घर लेकर जाता है। और अब घर पर मिली अभी कोमा में थी। सुचैन अपने कछुए से पूछता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, जब मेरा पावर मेरे पास वापस आना चाहिए था तो जो बिल्कुल ठीक है, तब मिली के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब कछुआ कहता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका एक्सीडेंट उसी दिन हुआ था और उसी दिन इसका मौत लिखा हुआ था, पर तुम्हारे पावर के कारण ये अभी तक जिंदा है। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तब तुमको मरना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा पावर ही इसे जिंदा रखेगा। फिर सुचैन कहता है कि मैं मरने से डरता नहीं हूँ, पर तभी मिली भी उठ जाती है, और वे बस उसे लास्ट पल याद था कि जब किस करने वाली थी तभी वे बेहोश हो गई थी। और सुचैन से कहती है कि ये बहुत एम्बैरसिंग था, पर सुचैन कहता है कि इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। और अगले दिन एक जगह पर मिली को डॉक्टर ली मिलते हैं, जो मिली के बॉडी में सुचैन का पावर देख पा रहे थे। फिर डॉक्टर ली मिली को वही फ़ोटो दिखाते हैं जिसमें सुचैन के सेल का फ़ोटो था, और ये फ़ोटो देखकर मिली को याद आ जाता है कि उसने कहाँ पर देखा था, पर मिली उन्हें बताती है कि नहीं, मैंने ये कहीं भी नहीं देखा है। फिर डॉक्टर ली वहाँ से चले जाते हैं। और इधर ऑफिस में सुचैन को एक यूकी नाम की लड़की रोकती है और कहती है उससे कि क्या तुम मेरे साथ फ़ोटो लेना चाहोगे, तुम ऐसे भी मेरे टाइप के लगते हो। यूकी उसके साथ फ्लर्टिंग कर रही होती है, पर सुचैन को बिल्कुल भी ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं था उसमें। और जब यूकी उसका नंबर मांगती है तब सुचैन मिली का नंबर दे देता है, और तभी वहाँ पर मिली भी आ जाती है, और यूकी मिली से उसके एम्प्लॉय का तारीफ कर रही होती है। असल में मिली एक ब्यूटी ब्लॉगर थी जिसके पास हर कंपनी से बहुत सारे ऑफर भी आते थे, पर वे मिली की कंपनी को चूज़ कर की थी। और आज मिली अपने न्यू प्रोडक्ट के बारे में उसे बता रही होती है, जिसे देखकर यूकी को भी बहुत पसंद आता है वे सब, क्योंकि अभी तक ऐसा प्रोडक्ट किसी भी कंपनी ने लॉन्च नहीं किया था। और जब यूकी ये प्रोडक्ट कुछ अप्लाई करती है अपने फेस पर तब उसे बहुत अच्छा लगता है। और उसी रात मिली बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी, और जब मिली और सुचैन पार्किंग लॉट में थे तब उसी समय सुचैन गाड़ी लेने के लिए जाता है, और उसी समय कुछ बदमाश बंदे मिली को हार्म करने आ रहे थे, पर मिली होश में नहीं थी तो उसे कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा था कि उसके पीछे कुछ बंदे पड़े हैं। पर सही टाइम पर सुचैन वहां पर आ जाता है और वे सब को एक एक करके अच्छे से उन लोगों की धुलाई करता है, और मिली को कुछ पता भी नहीं चल रहा था कि उसके पीछे हो क्या रहा है। फिर सुचैन मिली और अपने आप को टेलीपोर्ट करके उसी स्विमिंग पूल में ले आता है, और मिली को ये सब देख कर थोड़ा अजीब लगता है, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे अभी पार्किंग लॉट में थी और अभी यहाँ पर कैसे। फिर वे सुचैन से पूछते हैं, आखिर हो तुम हो कौन। तब सुचैन कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊँगा। फिर सुचैन अपने असली रूप में आता है पानी के अंदर जाकर, और ये सब देख कर मिली सुचैन का सच जान लेती है,
तब सुशन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही गेस किया है, मैं मरमेड हूँ और मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं ओशन से बिलोंग करता हूँ, बट मैं किसी के साथ हमेशा से रहना चाहता था और वे तुम हो। अगर तुमको मेरे साथ रहने में कोई दिक्कत होगा तो तुम जा सकती हो। और जैसे ही सुशन वहाँ से जा रहा होता है उसी समय मिली उसे रोक कर उसे किस कर लेती है और उससे कहती है कि मुझे मतलब नहीं है कि तुम इंसान हो या मरमेड, मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ और मैं ये बात हमेशा से जानती हूँ कि तुम मुझे कभी भी हर्ट नहीं पहुँचाओगे। और अब घर पर मिली सुशन के बारे में और भी कुछ जानना चाहती थी और बहुत सारे उससे सवाल भी पूछ रही थी। फिर मिली पूछती है कि ये मेरी फेस जो है ये मेरे बारे में क्या कहती है, इसे पूछ के बताओ तो। और वहीं पर ये सब मछलियाँ मिली के बारे में बुराई कर रही होती है और ये सब कुछ सुशन सुन रहा होता है, पर वे डर के मारे कुछ भी मिली को नहीं बताता है। फिर सुशन मिली को उसका झूठा तारीफ करके बता देता है कि यही सब मछलियाँ कह रही हैं तुम्हारे बारे में, और ये सब सुनकर मिली बहुत खुश हो जाती है। फिर उसके बाद मिली सुशन को रोने के लिए कहती है और जब सुशन रोता है तब मिली मोती देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वे प्याज लेके आती है और बोलती है कि तुम थोड़ा और रो और फिर उसके बाद मुझे बहुत सारी मोतियाँ दे दो। तब सुशन कहता है कि लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मेरी मोतियों से बहुत प्यार करती हो तुम। तब मिली कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना चाहती हूँ और वही चीज़ मुझे बहुत एक्साइटेड कर रहा है। फिर सुशन अपने आंसुओं से मोती बनावर मिली को एक नेकलेस देता है जिसे देखकर मिली बहुत ज़्यादा खुश होती है। मिली और सुशन रेडी हो रहे होते हैं तब मिली सुशन के हाथ में वही निशान दोबारा से देख लेती है और उसके बारे में इस बार पूछती भी है। तब सुशन कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ धरती पर यानी लैंड पर थोड़ा ज़्यादा ही गर्मी है उसी के कारण ये हो रहा है, पर तुम टेंशन मत लो समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। फिर अगले दिन जब मिली उसी टर्टल से बात कर रही होती है कि सुशन कुछ उसे छुपा रहा है पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि वे टर्टल से बात नहीं कर पा रही थी। और तभी उसका नज़र CCTV कैमरे पर जाता है और वे वीडियो वापस चला कर देखती है कि उसके ना रहने पर सुशन आखिर करता क्या है, और उसमें कुछ ऐसा बात उसे पता चलता है जिसके कारण वे डॉक्टर ली को दोबारा कॉल करती है और डॉक्टर ली उसे सब कुछ सच बता देते हैं कि तुम्हारा पावर जो भी तुम्हारे पास है वे तुम्हारा नहीं बल्कि सुशन का है और वे गलती से तुम्हारे पास चला गया है और इसके कारण सुशन कभी भी ओशन में रिटर्न नहीं ले सकता है और यही सिर्फ नहीं होगा बल्कि कुछ समय बाद उसका जान भी जा सकता है। और ये बात सुनकर मिली बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और जब सुशन घर आता है तब मिली उस पर बहुत गुस्सा थी, पर मिली उसके सामने नाराज़ होने का एक्टिंग करती है कि तुमने जानबूझकर मुझसे प्यार करने का नाटक किया ताकि तुम्हारा पावर वापस मिल जाए, पर मिली ये सब जानबूझ के कर रही थी कि ताकि सुशन अपना पावर वापस ले ले और समुद्र में वापस चला जाए। और ये सब करते समय उसको बहुत बुरा लग रहा था और सुशन को इस बात का बुरा लग रहा था कि वे मिली के साथ इतना बड़ा धोखा किया और इस लड़ाई से दोनों को ही बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। फिर लड़ते लड़ते मिली कह देती है सुशन से कि अपना पावर ले लो और यहाँ से चले जाओ, पर सुशन बस यही सोच रहा था कि अगर वे अपना पावर वापस ले लिया तब मिली की जान चली जाएगी। तब सुशन मिली से झूठ कह देता है कि वे अपने पावर को वापस ले चुका है। तब मिली कहती है अगर तुमने अपने पावर को वापस ले ही लिया है तब यहाँ से चले जाओ, यहाँ रुकने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। मिली और सुशन दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत रो रहे थे पर दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत चिंता भी कर रहे थे। फिर जब मिली सुशन को घर से बाहर निकाल देती है तब जब वे रो रही थी तब उसके आंख से जो आंसू आ रहे थे उसकी वे मोती बन जा रहे थे और उसे पता चल जाता है कि सुशन का पावर अभी भी उसी के पास है। और जब बाहर वे खोजती है उसे तब वे नहीं दिखता है और उसका नीला खून रास्ते पर गिरा हुआ था और उसे डर लगने लगा था कि सुशन अभी खतरे में है। और उसी समय पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है और उसे किडनैप करके एक लैब में लेकर आता है जहाँ सुशन को बांध कर रखा गया था और ये सारा काम डॉक्टर ली का होता है। और डॉक्टर ली कहते हैं इस पर कि वे बहुत सालों से मरमेड पर रिसर्च कर रहे थे और आज जाकर फाइनली ये इतना बड़ा पावर उनके हाथ में लगा है। और इस बात से मिली बहुत ज़्यादा ही डर चुकी थी। फिर डॉक्टर ली अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं पर तभी सुशन मिली का हाथ पकड़ के अपने आप को और मिली को घर पर टेलीपोर्ट कर लेता है। और घर पर मिली सुशन से कह रही थी कि तुम अपना पावर मुझ में से वापस क्यों नहीं ले लेते। तब सुशन कहता है कि मैं नहीं ले सकता, अगर मैंने वे ले लिया तब तुम मर जाओगी।
तब मिली कहती है कि ये तो तुम्हारा ही है, अगर तुमने नहीं लिया तो तुम बच नहीं पाओगे। फिर मिली जबरदस्ती सुजैन को किस कर लेती है और उसका पावर उसे वापस कर देती है, और उसी समय सुजैन वहाँ से गायब हो जाता है और मिली उसका नाम बस चिल्लाते रह जाती है। पर अभी भी मिली के आंसू से मोती बन रहे थे, और अब पूरे 2 साल बीत चुके थे और आज मिली की कंपनी टॉप 1 पर थी जहाँ इसका सेलिब्रेशन हो रहा था। मिली अपने सक्सेस के लिए बहुत खुश थी, अपने कंपनी के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। और तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि मिली की कंपनी के सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर आज आने वाले हैं, जिसके बारे में मिली खुद भी नहीं जानती थी, और वे कोई और नहीं बल्कि सुजैन था। और आज पूरे 2 साल बाद वे वापस आ चुके थे मिली के पास। हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। थैंक यू यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा। थैंक यू।